ब्रश ब्रुश करके फ्रेश करके हो चुके रेडी। तो अभी हम रुके थे गुरुद्वारे में ना, तो ब्रश व्रश कर लिया है, तो अभी चलते हैं जहाँ पे जाना है। ये अपने गुरुद्वारे का कुछ इस तरह का दृश्य है, सॉरी यहाँ पे सुबह, ये अभी सुबह सुबह का दृश्य कुछ इस तरह का है। और ये अपना रूम है, यहाँ पे ये अपना रूम था। दोस्त अपना गुरुद्वारे का स्टे था यहाँ पे, और अभी हम निकल रहे हैं अपने कैंप के लिए। तो ये अपना लंगर की तैयारी हो रही है यहाँ पे, वहाँ पे लंगर की तैयारी हो रही है। देखो ये अपना, ये आंटी आई हुई हैं देखो सेवा देने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं होता दोस्तों के लिए इसको पे किया जा रहा है, बट कोई पे नहीं किया जाता, अपने मन से श्रद्धा से सेवा करनी होती है। देखो लंगर की तैयारी हो रही है, और दोस्तों हमें जो सुबह चाय दी गई, मतलब कि इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी चाय थी ना, मतलब कि मज़ा आ गया पी के। और सुबह अगर ढंग से, इतने कड़ाके की सर्दी में ढंग से चाय मिल जाए तो भाई माइंड फ्रेश हो जाता है। और अभी हम जा रहे हैं अपने BSF कैंप के लिए, और निकलते हैं, और दोस्तों आपको आगे बताते हैं, देखते रहो आप। हमने रास्ता पूछ लिया है, तो अंकल ने बोला है यहाँ से हमें, ओ दोस्तों ये देखो हालत, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओ भाई निकल चुके हैं, ठंड बहुत है, हालत देखो आपको, विजिबिलिटी नहीं है कुछ भी यहाँ पे। और खुला बंदे क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इस धुंध में एक घंटे के संघर्ष के बाद फाइनली हमें अपना BSF का सेंटर मिल गया। और दोस्तों इतनी ठंड में तो हम कड़क की ठंड में अपने तो सारे हाथ पैर सुन्न हो गए हुए हैं, और देख सकते हो इतनी बड़ी लाइन है, और अभी तक गेट नहीं ओपन हुआ है। और हम, हमारे को तो अगर अंकल नहीं होते, एक अंकल ने हमें छोड़ दिया है यहाँ तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो टोटल मेरे को लग रहा है 300-400 बच्चा आया हुआ है, वो अभी तो 7 बजे का टाइम दिया था, बट अभी 7 बज चुके हैं, और अभी तक कोई गेट खुला नहीं है, तो खुल ही जाएगा। देखो कितनी बड़ी लाइन है, आगे तक लगी हुई लाइन, वो पीछे भी देखो लाइन लगी हुई है। ये दोस्तों फिजिकल टेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों आपको जितना ट्राई हो सकूँगा मैं आपको सेंटर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा छुपा छुपा के वीडियो बनाने पड़ रही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड होता ना वीडियो बना। ये दोस्तों इनका हो चुका है फिजिकल क्लियर, और ये जा रहे हैं अभी वापस बंदे, अभी तो हमारा तो नंबर बहुत देर आएगा, वो अभी बंदे यहाँ पे फिजिकल चल रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ का कैंपस है, तो मैंने बोला आपके लिए इतना सा रिस्क ले लेते हूँ, और देखो थोड़ा छुप छुप के बनाने पड़ रही वीडियो ना। और यहाँ पे देखो, और ये सामने बच्चे खड़े हैं, ये क्वालिफाई हो चुके हैं और जा रहे हैं घर अपने। तो दोस्तों ये अपनी BSF की कंटीन, और दोस्तों ये कैंपस है, और अभी हम कंटीन गए हुए थे, मतलब कि खाने पीने के लिए। तो दोस्तों आपके लिए इतने रिस्क लेके वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और जल्दी से जल्दी बन के करवा दो। और मैं अब आपको ना अपना कैमरा थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, और आपको दिखाता हूँ आगे के सीन पर। नहीं देखो लाइन हमारा यहाँ पे चला हुआ है डॉक्यूमेंट का, अभी हम जा रहे हैं और अपने वहाँ पे बैठ जाते हैं। दोस्तों अभी हम अपने निकल चुके हैं BSF सेंटर से, तो अभी हम जाएंगे बस स्टैंड, और वहाँ से लेंगे बस और निकलेंगे पठानकोट के लिए। बट ये हमारे दो फ्रेंड हैं, तो ये बोल रहे हैं ये हमें तक ड्रॉप कर देंगे अपना अपने आधे रास्ते तक, और उसके आगे हम बस लेके चले जाएंगे। Okay.
दोस्तों अभी हमें मिल गई है पठानकोट के लिए बस, तो भाई ने हमें आधे रास्ते पे ड्रॉप कर दिया और उसने बस दिलवा दी हमें पठानकोट के लिए, और अभी हमें पठानकोट को बस मिल गई, तो अभी हम आधे घंटे में पठानकोट पहुंच जाएंगे, तो पहुंच के बताते हैं फिर आपको। दोस्तों हमें मिल चुकी है अपनी सरकारी बस हिमाचल रोडवेज की, तो अभी हम बैठे हुए हैं खिड़की के पास ही मिली है जगह, तो पूरी फुल बैजना जारी है, तो चाचू ने काफी पेल रहे हैं इसको। ये क्या है? मतलब की स्पीड में है काफी, सॉरी, और टाइम से पहुंचा दे बस हमें, ये देखो हैं ये सामने, वो देखो ये सामने आपको आर्मी ऑप्शन व्हीकल्स मिलते हैं यहाँ से, ये देखो रशियन ट्रक खड़ा है 6x6, ये देखो तीन चक्के इस साइड तीन चक्के उस साइड 6x6। अभी हम अपने उतर गए हैं हिमाचल रोडवेज से, ये अपने पालमपुर वाली है राजनाथ, तो अभी आगे के लिए बस देख रहे हैं हम कि हमें कहाँ से मिलेगी। तो अभी हमने यहाँ से बस ले ली अपनी कांगड़ा धर्मशाला हरिद्वार ही बस, तो इससे अभी हम जा रहे हैं अपना रानीताल के लिए रसू चौक, रानीताल लेकर आया जाता हूँ मैंने, अभी देखते हैं आगे का क्या है मोशोर, अभी निकलते हैं और बस ऐसी ऐसी पानी, और देखो अपना अपने कांगड़ा का भी देखो पूरा बाजार खुला है तरह से देख सकते हो आप, और वहाँ पे कल गुरदासपुर में गए थे तो वहाँ के तो बाजार ही बंद हो गए थे, देखो तो। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रसू चौक अपने, ये अभी उतर रहे हैं भारत खोलने, ये हमने बस छोड़ दिया है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे अपने सू चौक में, तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर अपने, और यहाँ पे अभी घर पहुंचे हैं, और बुनो रुनो देखो, और ये हमारे घर में खाना बन चुका है मेरे को, अभी पहुंचे हूँ। तो अभी अपना अप्रोक्स 8:30 बजे घर पहुंचे, तो थोड़ी एक बैड न्यूज़ है कि मैं हो चुका हूँ बीमार, क्योंकि वहाँ पे भी अपना आपको पता है बाहर ही बिठाया था, आपने देखा होगा वीडियो में, और उसके कारण सर्दी लगी हुई है, तो थोड़ा सा बुखार है। और दोस्तों आपके लिए इतना करता हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, दोस्तों जल्दी से जल्दी बन के करवा दो, और दोस्तों मतलब कि अपने फ्रेंड्स को बोला करो सब्सक्राइब किया करो, और दोस्तों मतलब कमेंट किया करो जिससे कि हमें पता लगता रहे कि मैंने आपको किस चीज़ के ऊपर ब्लॉगिंग अच्छी लगती है। तो दोस्तों प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो, और अपना आगे आपके लिए नए नए कंटेंट पे हम काम करते रहेंगे, अपना ऐसे ही मतलब कि अपना साथ बनाए रखो जिससे अपना चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे, और थैंक यू दोस्तों, चलते हैं अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय तब के लिए।